वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रायोरिटी वीजा इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड के बारे में। उसके बेनिफिट्स फीचर्स कवर करेंगे, कैसा ये कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या चार्जेज है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, किन लोगों के लिए बेस्ट कार्ड है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में फुल डिटेल से कवर करने वाले। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ये क्रेडिट कार्ड प्रायोरिटी बेस्ड कस्टमरों को प्रदान किया जाता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कुछ चुनिंदा कस्टमरों को ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लाइफ स्टाइल पर बेस ये क्रेडिट कार्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग इस क्रेडिट कार्ड को डिजाइन किया है। बात कर लेते हैं इस कार्ड के रिवार्ड सिस्टम की। इस कार्ड पर हमको वो 5 गुना रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप इस कार्ड से 100 रुपये फैशन पर स्पेंड करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा इस कार्ड से अगर किसी अदर पर इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 2 गुना रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं और 1 साल के भीतर आपको 4 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। आप हर क्वार्टर में 1 लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट इस कार्ड से उठा सकते हैं। इस कार्ड पर आपको प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप मिलती है। वर्ल्ड वाइज 1000 एयरपोर्ट पर आपको लॉन्च एक्सेस पे प्रायोरिटी पास की सुविधा इस कार्ड से आपको मिल जाती है। गुड लाइफ प्रोग्राम के तहत इस कार्ड पर आपको डाइनिंग, शॉपिंग और ट्रैवल पर बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस कार्ड पर आपको एयर एक्सीडेंटल कवर मिलता है 1.2 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवर करके दिया जाता है $25,000 का इस कार्ड के माध्यम से। एड ऑन कार्ड की सुविधा मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट लेस फीचर से क्रेडिट कार्ड लेस है, सिक्योर ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, 3D पेमेंट मेथड आपको इस कार्ड से सिक्योर मिल जाएगा। साथ ही कुछ भी ऑन EMI की सुविधा मिल जाएगी। 360 डिग्री से आप अपने रिवार्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। डायल फॉर लोन की सुविधा मिल जाएगी, बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा मिल जाएगी, बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI की सुविधा इस कार्ड पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस कार्ड के एलिजिबल क्राइटेरिया बैंक ने अभी शो नहीं किया है। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो वो 0 है। अगर मेरे ओपिनियन की मैं इस कार्ड पर बात करूं तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर से ले। हर किसी कस्टमर के लिए ये अभी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का प्रायोरिटी बेस्ड कस्टमरों को ये क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बेनिफिट्स देखे जाए और इसकी फीस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर से ले, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है।